दोस्तों स्वागत है आपका जीएस न्यूज की अफसर बन जाओगे की सीरीज में। तो शुरू करते हैं हमारा सामान्य ज्ञान का डेली डोज डे 15 इजी लेवल। रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 8 सेकंड्स का वक्त दिया जाएगा और हर प्रश्न 5 मार्क्स का होगा। अगर आप इस इजी लेवल के 10 में से 5 सवालों के भी सही जवाब दे पाते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो जहां पर डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगा पर बढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कुछ जवाब गलत हो जाए तो निराश ना हो, आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पहला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? द आर्टिकल्स 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, बी राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सी धार्मिक समानता, रिलीजियस इक्वालिटी या डी सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी। दूसरा प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? Who was the founder of Nanda dynasty? आपके ऑप्शंस हैं ए अजत शत्रु, बी धनानंद, सी महापद्मानंद या डी बिंबिसार। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी महापद्मानंद। तीसरा प्रश्न, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर गोंडवाना कोल फील्ड्स फाउंड? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी जम्मू और कश्मीर या डी मेघालय। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए मध्य प्रदेश। चौथा प्रश्न, मुदुमलाई अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मुदुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए पक्षी यानी बर्ड्स, बी बाघ यानी टाइगर्स, सी मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल्स या डी हाथी यानी एलिफेंट्स। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी बाघ यानी टाइगर्स। पांचवा प्रश्न, किस क्षेत्र में वर्षा पूरे साल होती है? इन विच रीजन डस रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर? आपके ऑप्शंस हैं ए उप ध्रुवीय क्षेत्र सब पोलर रीजन, बी ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन, सी भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वाटोरियल रीजन या डी मध्य अक्षांश क्षेत्र मिडल लेटिट्यूड रीजन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वाटोरियल रीजन। छठा प्रश्न, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए एनालिटिकल इंजन, बी सुपर कंप्यूटर, सी एबेकस या डी कैलकुलेटर। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए एनालिटिकल इंजन। सातवां प्रश्न, मोड वैट किस से संबंधित है? मोड वैट इज रिलेटेड टू व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए आयकर यानी इनकम टैक्स, बी बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स, सी धन कर यानी वेल्थ टैक्स या डी उत्पाद कर यानी एक्साइज टैक्स। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी उत्पाद कर एक्साइज टैक्स। आठवां प्रश्न, बड़े पैमाने पर 35 और 37 के साथ क्लोरीन के समस्थानिक किस अनुपात में मौजूद हैं? द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विद मास नंबर ऑफ 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशियो ऑफ व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए 2:3,
बी 3:1, सी 3:4 या डी 1:2। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी 3:1। नौवां प्रश्न, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता किसे माना जाता है? Which is considered as the oldest civilization of the world? आपके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, बी चीनी सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन, सी मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन या डी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। दसवां प्रश्न, लिथोस्फीयर शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म लिथोस्फीयर रेफर टू? आपके ऑप्शंस हैं ए पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, बी पृथ्वी का आंतरिक भाग इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सी पौधे और पशु प्लांट्स एंड एनिमल्स या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट ऑफ द अर्थ। दोस्तों ये था डे 15 का इजी लेवल। मिलते हैं आपसे डे 15 की अगली वीडियो में, जहां पर डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगा। उम्मीद करता हूं आपने सारे जवाब सही दिए हों। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दें और बताना ना भूलें कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करें। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल GS News को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।